हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद खुशबू सिंह। तो आ चुकी हूँ मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही अच्छा और अमेजिंग और ब्यूटीफुल ये मेकअप लुक लेकर के। आज के इस मेकअप लुक में मैंने किया है येलो आईज मेकअप, जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और बहुत ही सस्ते और अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट के साथ इतना अच्छा अगर मेकअप लुक आपको मिल जाए तो क्या कहने। तो चलिए देखिए आप लोग कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है। तो ये इस मेकअप लुक को और इस आई मेकअप को आप एज अ फेस्टिव सीजन जो आ रहे हैं उसमें आप किसी भी फेस्टिवल पे, किसी भी ओकेज़न पे, जैसे कि नवरात्रि आ रही है या फिर आप बिगिनर्स हैं, आपकी नई नई शादी हुई है और करवा चौथ आ रहा है, तो उस पर भी आप इस तरह का मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग लगने वाले हैं आप लोग। एंजॉय कीजिए इस वीडियो को और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लेती हूँ, और आज मैंने अपना स्किन केयर पहले ही कर लिया है, तो स्टार्ट करते हैं इसके आगे का प्रोसेस। मैं आज डायरेक्ट लगा रही हूँ फाउंडेशन मॉइस्चराइजर के बाद, और आज मैंने प्राइमर को स्किप किया है, तो सेम प्रोसेस में डॉट डॉट करके मैंने लगा लिया। और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से अपने पूरे फेस पे ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, मैं अपने हर एक वीडियो में आपसे सेम बात ही बोलती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इसे थोड़ा सा स्पीड दिया जाए, क्योंकि अगर सेम चीज़ हम लोग बार बार करते हैं तो बहुत बोरिंग हो जाता है यार। तो बहुत ही अच्छे से ये वीडियो आप में आपको फास्ट दिख रहा है, बट क्या है कि मैंने बहुत ही आराम आराम से, मुझे विद इन 3 to 4 मिनट लगे थे इसे ब्लेंड करने में, पूरा का पूरा टाइम मुझे लगा था, इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड दे रही हूँ, क्योंकि 3 to 4 मिनट में सिर्फ आपको ब्लेंडिंग करते हुए नहीं दिखा सकती। तो अच्छे से आप इसे ब्लेंड करें, और इस ब्यूटी ब्लेंडर को कम से कम 15 मिनट के लिए भी जरूर सोक करें पानी में, और फिर उसके बाद अच्छे से इसका पानी निचोड़ के फिर आप इसे ब्लेंड करें। बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी अपना ये कंसीलर, जो कि मैं आज थोड़ा ज़्यादा मैं कंसीलर लगाने वाली हूँ, क्योंकि मैं कर रही हूँ येलो आई मेकअप, तो वो जो येलो कलर है वो अच्छे से निखर के आए, इसके लिए मैं कंसीलर थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। और हर जगह अपने फेस पे जो भी मेरा हाईलाइटेड पार्ट है ना फेस का, जिसे मुझे हाईलाइट करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे मैं कंसीलर लगा रही हूँ, क्योंकि कंसीलर हमारे जो भी पिगमेंटेड पार्ट्स होते हैं ना उनको हाइड करता है और उसको हाईलाइट भी कर देता है। तो बस, और आज मैं इस कंसीलर को पैक कर रही हूँ अपने इस लूज पाउडर के साथ लैक्मे का, और इसमें मेरा शेड है 01 पिंक, पिंक रोज़ पिंक शेड है, और मैं उसके पफ की हेल्प से ही थोड़ा ज़्यादा पाउडर लेकर के मैं उसे सेट कर रही हूँ। और उसके बाद अब मैं अपने आईब्रोज़ को डिफाइन कर लूँगी, और पाउडर्स को वैसे ही छोड़ देंगे फेस पे, क्योंकि जब वो थोड़ी देर रहेगा ना 5 मिनट तक, तो फिर वो अच्छे से सेट हो जाएगा, और जो भी एक्सेस होगा ना कंसीलर का, तो वो पाउडर उस एक्सेस और उस क्रीमी पार्ट को मतलब अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बहुत ही स्मूथली मैंने डिफाइन किया, और इस ब्रश की हेल्प से अपने आईब्रोज़ को मैंने ये मतलब झाड़ भी दिया, उसको ब्रश आउट भी कर दिया, और अब मैं उस लूज़ पाउडर के जो एक्सेस पार्ट्स हैं उसको मैं अपने फेस से हटा रही हूँ, अपने फेस पे धड़ाधड़ मैं झाड़ू लगा रही हूँ, जैसे डस्टिंग करते ना वैसे ही सेम आपको डस्टिंग करना है अपने फेस पे। अब करेंगे वर्क अपने आईज़ पे गाइस, जो कि आज के वीडियो का मेन मतलब क्या बोलते हैं मेन हीरो है, मेन एक्टर जो है वो आईज़ ही है। तो सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ ये पीचिश और ब्राउनिश शेड है, और मैं इसकी इस मेकअप में सिर्फ अपना यही एक ब्रश मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये वही आई शेडो पैलेट है जो मैं लेकर के आई थी सदर बाज़ार से, तो उस शेड को लेकर के आज मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रीज लाइन पे ही मैं उसे डिपॉजिट कर रही हूँ, मतलब ऐसे ब्लेंड कर रही हूँ। मैं क्रीज लाइन से बिल्कुल भी ऊपर नहीं लेकर के जा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे मन कर रहा है ना बिल्कुल टोटली कुछ डिफरेंट डिफरेंट करने का। फिर मैंने लिया है ये येलो शेड, और ये मैट शेड है, इसे मैं अपने आईज़ के आउटर कॉर्नर पे थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करके, और फिर मैं उसे अंदर की तरफ क्रीज लाइन पे, सेम क्रीज लाइन पे ही मैं उसको अंदर की तरफ लेके जा रही हूँ, फिर मैं ब्लेंड कर रही हूँ, फिर अंदर लेकर के जा रही हूँ। दूसरी आँख भी यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया, बट अभी तक पूरा मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ है, वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब मैं अपने फिंगर की हेल्प से इसमें से एक येलो और गोल्डन टाइप का ये शेड है, येलो है बट इसमें थोड़ा सा गोल्डन का टच है, और इसको मैं फिंगर पे लेकर के अपनी आईलिड पे लगा रही हूँ, क्योंकि अभी तक हमने आईलिड पे कोई भी आई शेडो नहीं लगाया है, तो बस हम इसको आईलिड पे लगा लेंगे, क्योंकि फिंगर से ना बहुत ही अच्छा उसका पिगमेंटेशन आता है, बहुत ही अच्छे से लग जाता है पूरा अंदर तक, अगर आप ब्रश वहाँ पे यूज़ करोगे ना
तो दोनों में डिफरेंस हो ही जाता है। तो बस दोनों आईज में मैंने ऐसे उसको लगा लिया, दोनों आईज से अच्छे से उसमें लगा करके, और उसके बाद फिर वही अपना आईलाइनर लगाएंगे। आज आईलाइनर भी मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का लगा रही हूँ, पता नहीं आज मेरा मूड क्यों ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। तो मैंने लगाया है आज विंग आईलाइनर, थोड़ा सा मैं इस विंग को ठीक कर लूँ क्योंकि ये पता नहीं क्यों लास्ट में थोड़ा बिगड़ गया था। अब मैं अपने पूरे फेस पे कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ ब्रश की हेल्प से। मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं दिखाया क्योंकि मेरे पास वही जो मेरा फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट पाउडर है मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो बस मैंने बोला ना कि हर चीज़ एक ही वीडियो में, मतलब हर वीडियो में एक ही चीज़ को दिखाने से बहुत बोरिंग हो जाते हैं और मैं भी बताते बताते बोर हो जाती हूँ। तो बस और मैं अब लगाऊंगी लिपस्टिक, और मैं अपना ये मिनी लिपस्टिक लगा रही हूँ जिसका शेड मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जबकि मैं ये येलो आई मेकअप फॉर द फेस्टिव सीजन, फॉर द वेडिंग सीजन ऑल्सो मैं क्रिएट कर रही हूँ। बहुत कुछ इसमें नहीं है बट यस फिर भी बहुत सुंदर लगते हैं। और ये लिपस्टिक लगाने से ना फेस पे 440 वाट का बल्ब जल जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये लिपस्टिक अपने फेस पे। तो बस मैं अपने आईज़ को थोड़ा सा और स्पेशल बना देती हूँ काजल लगा करके, क्योंकि काजल लगाने से पूरे जो आई मेकअप पूरा कंप्लीट दिखता है। मैं मस्कारा नहीं लगाती हूँ तो मैं स्किप कर रही हूँ, मुझे मस्कारा बहुत ही डर भी लगता है क्योंकि वो पूरे मेकअप को ना ऐसे ख़राब कर देता है, तो फिर मैं छोड़ रही हूँ। अब मैं अपनी सबसे छोटी फिंगर को मैं हाइलाइटर को लेकर के और अपने आईज़ के इनर कॉर्नर में बस थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी, तो उससे आईज़ क्या है ना उनका लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद मैं अपने चिक बोन्स पे लगा रही हूँ, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आपको लगाना है ताकि आपके जो चिक बोन्स है वो थोड़ा विजिबल हो जाए, आपको पता चल जाए। फिर उसके बाद नोज़ पे, क्यूपिड पे, फिर अपने चिन एरिया पे, नोज टिप पे, और उसके बाद फिर छोटी वाली फिंगर में हाइलाइटर को लेकर के और आईब्रोज के नीचे मैं लगा रही हूँ। इससे भी बहुत अच्छा लुक आता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मतलब इसे आईब्रोज के नीचे लगाइएगा और आईज़ के इनर कॉर्नर पे, बहुत ही मस्त दिखेंगे आप। तो ये है मेरा फाइनल लुक, मैं अपना बाल वाल बना के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि यार अगर 2-3 दिन वीडियोस नहीं आती तो आप लोग अनसब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दे, तो प्लीज़ गाइज ऐसा मत कीजिए, बढ़ाइए उस नंबर्स को, बढ़ाइए, आप लोग उसे घटा क्यों देते हैं। तो आई होप कि आप मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएंगे, इतनी उम्मीद तो रख सकती हूँ अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के साथ। सो तब मिलेंगे फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे होम, स्टे हेल्दी, बाय एवरीवन।